हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 16 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवित रहता है। लॉर्ड कृष्ण सेड, माय डियर अर्जुन, One who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the enjoyment of senses, such a person lives in vain. इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद उठाओ इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे रहते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे रहते हैं, उन्हें निश्चित ही यज्ञ चक्र द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।